ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज ये हथेली लुधियाना पंजाब से आई है। आपने अपने हाथों की फोटोज यहाँ पर भेजी और मूल रूप से जो कुछ प्रश्न किए आज उनका जवाब हम इस हथेली के माध्यम से बताना चाहेंगे। तो आपका प्रश्न ये है कि कोई स्थायी बिजनेस नहीं बन रहा। दूसरा आपका प्रश्न है कि जो वर्तमान में अभी चल रहा है उससे इनकम नहीं हो रही। तीसरा आपका जो प्रश्न है कि हमारी हथेली के मध्य में मनी ट्रायंगल बन रहा है उसका कोई असर नहीं। चौथा आपका प्रश्न है कि ये रेखाओं की अनुकूलताएं होते हुए भी मुझे सर्वाइव करना कठिन क्यों हो रहा है। तो आज हम इन्हीं बातों के उत्तर खोजने वाले हैं। तो जैसा कि हाथ की बनावट इनकी सारी सब सुंदर है, पर हम यहाँ पे इनके प्रश्नों के उत्तर की हम तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें कि आपने जो यहाँ प्रश्न रखा है कि हमारा जो स्थायित्व तो नहीं है, तो उसके पीछे आप कारण यहाँ देखेंगे कि आपकी मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा के प्रारंभ में जो यव चिन्ह बन रहा है वो असफलताओं का द्योतक है। अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर ली है तो उसका ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिलता है। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें अड़चने आनी है। कोई भी आप जो भी धंधा पानी कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी नहीं देता। ये यव चिन्ह जो है यहाँ पर, ये इसके परिणाम होते हैं। बात करते हैं हम इनकम की। तो इनकम की जहाँ तक बात है, तो जो आपके पास अभी बिजनेस है उससे आ रहा है पैसा, तो आ रहा है, पर आप देखेंगे कि आपके अंगुलियों के मध्य में जो अंतर दिखाई पड़ता है, जो आर पार इसमें छेद दिखाई दे रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आपके पास बचत नहीं होती। तो ये इस बात का यहाँ पे ये उत्तर है। अब तीसरा आपका प्रश्न ये था कि मनी ट्रायंगल है। तो जैसा कि मैं अन्य हस्तरेखाओं के माध्यम से बता चुका हूँ कि मनी ट्रायंगल क्या होता है। मनी ट्रायंगल में सबसे पहले हमें निर्दोष भाग्य रेखा की ज़रूरत होती है, निर्दोष मस्तिष्क रेखा की ज़रूरत होती है, और तीसरी जो सबसे अहम रेखा है वो है व्यापार व्यवसाय की रेखा या बुध रेखा। ये तीनों आपस में हथेली के मध्य में इस तरह से काटती हैं कि वहाँ पर ये जो त्रिभुज बनता है वह जो है धन की चाबी कहलाता है, धन की कुंजी कहलाता है, धन का त्रिभुज कहलाता है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है इसमें हाथ में मनी ट्रायंगल है, तो यहाँ आप बहुत गहरे में आप देखेंगे कि आपकी दो भाग्य रेखाएं हैं। एक आपकी केतु क्षेत्र से भाग्य रेखा उठ रही है और जाके मस्तिष्क रेखा से मिलती हुई हृदय रेखा तक पहुंच गई, और संयोगवश दूसरी भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से उठी और मस्तिष्क रेखा तक जाके सिमट गई। अब दो भाग्य रेखाओं ने परस्पर एक दूसरे को काट दिया और मस्तिष्क रेखा से मिली हुई हैं। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। भाग्य रेखाएं दो हैं जो आपस में काट रही हैं और मस्तिष्क रेखा से मिल रही हैं। तो ये मनी ट्रायंगल नहीं है, ये केवल आपके हथेली के मध्य त्रिकोण है जो आपके लिए कुछ पैतृक सहयोग देता है, कुछ पारिवारिक सहयोग दे रहा है। वो आर्थिक हो सकता है या अन्य प्रकार के कोई सहयोग हो सकते हैं। तो ये इस बात का यहाँ पे प्रमाण है, ये इस बात का बिल्कुल सूचक नहीं है कि ये धन की चाबी है और आप इसके माध्यम से करोड़ों कमाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका जो दूसरा दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है कि जिस जातक के हाथ में दो दो भाग्य रेखाएं होती हैं तो वो निश्चित तौर पर भाग्यशाली माने जाते हैं, पर यहाँ पर ये काट रही हैं एक दूसरे को, वो भी हथेली के मध्य में। तो ऐसी स्थिति में
आपके लिए सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है और जीवन में कई मुसीबतें आती हैं, कई समस्याएं सामने आने लगती हैं, तो ये दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये था कि बिजनेस चलना चाहिए, तो यहाँ आप ये देखें कि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि धनार्जन के लिए व्यापार या बुध रेखा का बलवान होना अनिवार्य है, ऐसे ही आपकी सूर्य रेखा का भी जो है इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ आपके सूर्य रेखा में दो रेखाएं दिख रही हैं और इनके मध्य में यव चिन्ह बन रहा है, यह यव चिन्ह ही आपके लिए गलत दिशा देता है, आपसे ऐसे काम करवाता है जिससे आपके लिए परेशानियां आए, आपके साथ आपसे जुड़े हुए लोगों को परेशानियां आए, ये काम करवाता है। और जो दूसरी यहाँ पे आपके सूर्य क्षेत्र में जो परेशानी है वो तिल साफ दिख रहा है, यहाँ तिल होने का मतलब होता है कि बदनामी होना है आपको, आप कोई ना कोई काम ऐसा गलत ढंग से करेंगे जिससे आपको परेशानी आएगी। तो ये यहाँ पे आपके प्रश्न थे और उन प्रश्नों के ये यहाँ पे उत्तर हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी आयु जो है लगभग 80 वर्ष यहाँ पे दिख रही है और इसके अलावा जो है वर्तमान परेशानियाँ तो वो इन दोषों के माध्यम से साफ तौर पर जो है प्रतीत हो रही हैं, वो परेशानियाँ तो ये दोष जो हैं वो बने हुए हैं। पर यहाँ पे कुछ एक जो खास बातें आपके जीवन के बारे में ये हो रही हैं कि आप ईमानदारी से काम करें, तो यहाँ देखेंगे आपकी तर्जनी और मध्यमा के मध्य जो है वो त्रिशूल का ये चिन्ह बन रहा है और ये अतिरिक्त रेखा से यहाँ पे ये बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये अच्छा समय आएगा, थोड़ा सा इसमें विलंब लगना है अभी और, तो ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। इसके बाद यहाँ पर अभी अगला जो एक स्थान हम देख रहे हैं कि आपका जो चंद्र पर्वत है यहाँ पर जो रेखा निकल रही है, तो ये रेखा ये कह रही है कि आप जन्म स्थान से अन्यत्र कहीं जो है आपको कमाई के साधन मिलेंगे, तो आप कोशिश करें कि वहाँ आप स्थापित करें अपने व्यापार व्यवसाय को, तो ये चीज़ यहाँ पे एक दिखी। और दूसरे शब्दों में यहाँ जो क्रॉस बना हुआ है हथेली के मध्य में, ये कहीं ना कहीं से एक डमरू की आकृति भी बना रहा है जो लंबे समय बाद ही अच्छे परिणाम देता है, बहुत डमरू जो है तो त्वरित परिणाम देने वाला नहीं होता है, तो ये यहाँ पे ये फायदा करने वाला है हथेली के बीच में, तो ये इसमें समय लगेगा। आपके मणिबंध भी जो हैं पूरे नहीं हैं, कोई भी मणिबंध आपका पूरा नहीं दिख रहा है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है आपके जीवन में, क्योंकि आप कोई भी काम जो है वो पूरा करते नहीं हैं, आप अधूरा छोड़ रहे हैं, और ये उतावलापन आपके जीवन में जो है परेशान कर देता है, तो यहाँ ये भी बात देखने को मिल रही है। चार मणिबंध दिखाई दे रहे हैं, चारों अधूरे हैं, तो इस तरह से फिजिकल फिटनेस भी आपकी जो है साथ नहीं देती है। अब यहाँ पे आपके हथेली में अंगूठे में चक्र है, तो ये जरूर आपके लिए मुसीबतों को टालने में मदद करेगा, पर ये मेहनत करवा देता है, मतलब ये है कि आपकी मेहनत पूरी हो जाएगी। और दूसरा सिंबल है कि आपकी अनामिका में भी चक्र है। अब यदि आपके दोनों हाथों में दोनों हथेलियों में यदि यहाँ पर साफ तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है पर कुछ हद तक ऐसा समझ में आ रहा है, अगर आपके दोनों हथेलियों में अंगूठे में प्लस अनामिका में है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा समय इंतजार कर रहा है,
बहुत अच्छा समय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो आप ईमानदारी से और पूरी लगन से अगर अपना काम करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसमें उतावलेपन की आवश्यकता नहीं है और अवैधानिक कार्यों के प्रति आपकी सोच बदलनी होगी, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे और आने वाले जीवन को आप सुख से जिएंगे। ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।